हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजय और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे टूर प्लान चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ हूं। दोस्तों, ताजमहल पे हूं और मैं ताजमहल घूमने आया हूं। दोबारा नहीं, तीसरी बार नहीं, ये चौथा बार है ताजमहल घूमने आया हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी टाइम मिलता है मैं तो आ जाता हूँ घूमने। क्योंकि अब अगर कभी एक बार इस ताजमहल पे घूम लेते हो तो हमेशा दूसरे को आप कहानी सुनाते रहोगे इसके बारे में कि भाई ताजमहल तो ऐसा है, वैसा है, इतने खूबसूरत है, वैसा है। क्योंकि इतना खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। अभी दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाऊंगा ताजमहल को। चलो, मैं मतलब कैमरा में दिखाता हूँ नज़दीक से आप लोगों को। आप लोग देखिए कितने अच्छा है ताजमहल, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं ताजमहल की दोनों साइड में दोनों मतलब मस्जिद, जब शुक्रवार को बंद रहता है, कि ताजमहल की दोनों साइड में दो मस्जिद टाइप में बना हुआ है, उसके अंदर मतलब इधर का लोकल जो लोग है वो लोग आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। दो लोकल जो मस्जिद है वो दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये है इधर का लोकल मस्जिद, इसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं इधर का लोकल बंदे। ताजमहल की ताजमहल जब जस्ट फ्रंट से देखोगे, ताजमहल के राइट में लेफ्ट में दोनों साइड में ये दो है, और ताजमहल के पीछे है जमुना रिवर, तो मैं वो रिवर भी दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मेरे सामने ताजमहल, और मैंने अभी इसके अंदर जो है दोस्तों बस शाहजहां और मुमताज की क्या समाधि है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर भी आप लोग आ सकते हो, मतलब जब फर्स्ट बार आओगे तो मैं यही बोलूँगा कि इसके अंदर घुस के एक बार देख लेना इन समाधि को, क्योंकि इतना दूर से आना इधर घूमने के लिए और ऐसा चीज़ अगर ना देख के चला जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी आपका इच्छा पूरा कर लेना। और दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ। चलो, साइड में जमुना रिवर और इधर जो है मस्जिद, जो बताया मस्जिद है इधर ताजमहल की साइड में ये बना हुआ है, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है उधर पीछे दूर में। इधर भी देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। दोस्तों, ताजमहल के जस्ट पीछे है जमुना रिवर, आप लोग देख सकते हो ताजमहल के पीछे है जमुना रिवर। ये गाइस, ये है जमुना रिवर ताजमहल के जस्ट पीछे ही है, ये जो मीनार है ना, देख सकते हो दोस्तों, ये जमुना रिवर है। दोस्तों, ताजमहल की चारों साइड से किसी भी तरफ से देखो, आपको एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि इसको बनाया ही इस पर कर रहे हैं, मतलब चारों साइड से बराबर है। अब चाहे इस साइड से देखो, चाहे उस साइड से देखो, किसी भी साइड से देखो, ये बिल्कुल बराबर लगता है दिखने में। तो दोस्तों, वो हो गया आपका एक मस्जिद जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं इधर के लोकल लोग, और इधर है ताजमहल। अभी इसका पीछे से चलता हूँ, उस तरफ भी है सेम एक मस्जिद बना हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। Quiet, yeah, we were
built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. ताजमहल को आपको ताजमहल के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपको ऐसे दो बिल्डिंग देखने को मिलेगा। मैं बिल्डिंग दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे ताजमहल आओगे घूमने देखना दोनों तरफ दो बिल्डिंग है, जो एक उस साइड वाला मस्जिद है और इस साइड वाला है गेस्ट रूम। तो शुक्रवार को इसीलिए दोस्तों इसीलिए शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, क्योंकि शुक्रवार को इधर का जो लोकल बंदे हैं वो लोग आते हैं इधर नमाज पढ़ने के लिए, और मैं जहाँ पर बैठा हूँ वे शाहजहाँ का गेस्ट रूम था। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, कभी भी आओ। अब बस देख सकते हो जो कितने ज़्यादा क्राउडेड है इधर। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ताजमहल आ रहे हो तो आपको मैं बता ही दिया था, कैसे भी आप आगरा कैंट या आगरा फोर्ट के लिए आप ट्रेन बुक कीजिए, उसके बाद आगरा फोर्ट या आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, आप कभी भी आ सकते हो, मतलब किसी भी टाइम आ सकते हो। इस टाइम ठंडी के टाइम क्या घूमने आओगे तो आगरा का जो गर्मी है वो आपको गर्मी महसूस नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यही मतलब परफेक्ट टाइम है घूमने का इस जगह पर। अभी मैं लगभग दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ठंडी नहीं लग रहा है और मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घूमने में भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल घूम सकते हो ठंडी के मौसम में आओगे तो इधर। अभी मैं बैठा हुआ जो पीछे साइड वाला जो मस्जिद है उसमें मैं बैठा हुआ दोस्तों। मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप घूमने आना चाहते हो तो वही सबसे परफेक्ट टाइम है, अभी भी फरवरी तक सबसे परफेक्ट टाइम है, आप कभी भी आ सकते हो।